सब लोग इसमें फंसे हैं। कबीरदास जी हंसते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चक्की होती है ना जांत जो पीसा जाता है, पुरानी माताएं जानती होंगी, गांव में वो जांत से पीसा जाता था चने वगैरह के, उसे देखकर कबीरदास जी रोने लगे, अधीर हो गए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। क्यों रोने लगे? दो पाटन के बीच में साबित बचाने को। कबीरदास जी अधीर हो गए, रोने लगे कि जैसे दो पाटों के बीच में जितने दाने जाते हैं सब पिसे जाते हैं, उसी प्रकार मैं और तू इस माया रूपी दो पाटों के बीच में सारा जीव पिसा जा रहा है, कोई बच नहीं रहा, सारे जीव मैं और तू इस माया रूपी पाटे के बीच में पिसे जा रहे हैं। कबीरदास जी रोने लगे अधीर होकर। तो कबीरदास जी के पुत्र सामने कमाल बैठे थे, उन्होंने कहा, पिताजी कहें क्या? कहें जरा सोच समझ कर रो। कहें क्यों? कहें चक्की में सभी दाने नहीं पिसे जाते। कहें तब? तो कमाल ने कहा, चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाई। कमाल हंसने लगे, पिताजी को संबोधन किए कि पिताश्री जरा सोच समझ के रोइए, अधीर जो मत होइए, चक्की में सभी दाने नहीं पिसे जाते। जिस कील के सहारे वो चक्की घूमती है, यदि उस कील में कोई दाना फंस जाता है तो वो बच जाता है। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाई, रहे भरोसे कील के सो बाकी बच जाए। पिताजी मैं और तू माया रूपी दो पाटों के बीच में सारे जीव तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन सदगुरु रूपी कील और संत महात्मा रूपी कील के नीचे, इनके आश्रय में, सदगुरु की सानिध्य में जो जीव पहुंच जाते हैं वो बच जाते हैं, वो नहीं पीछे जाते, उनका सानिध्य कृपा होने। संत कहते हैं